इसको कैसा हो? अब हम क्या करने वाले हैं? ऊपर चमड़ा है, इसको उतारते हैं। तो उतारने के बाद उसके बाद में छोटे छोटे वो पीस कर लेते हैं। तो फिर अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आदि इशरत, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। पहले सब अहले इस्लाम को ईद मुबारक। जी हाँ, आज ईद है तो ईद की तैयारी हो गई है। तो अभी हम लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ खा पी के, अभी स्वीट वगैरह कुछ खा के, तो फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ने। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ इस ईद व्लॉग में, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा ईद को। चले फिर। तो गाइस फाइनली हम लोग नमाज पढ़ के आ गए वापस। तो अभी हम लोग करनी है कुर्बानी, ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी भी कुर्बानी करनी है। यहाँ पे भेड़ है, इसको ज़बह कर लिया। अभी इसका ये जो खाल है, ऊपर चमड़ा है, इसको उतारते हैं। तो उतारने के बाद उसके बाद में छोटे छोटे वो पीस कर लेते हैं। तो फिर तकसीम करना पड़ता है इसको, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से बड़ा जानवर भी ज़बह कर लिया हम लोग ने, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद गाइस इसका भी ये जो ऊपर चमड़ा है ये भी उतारना पड़ेगा। तो उतारने के बाद में इसको भी क्लीन वगैरह करके, बहुत टाइम लगता है इसमें भी, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। क्लीन करके उसको भी छोटे छोटे पीसेस करके, तो वहाँ से दूसरा देखो, वो वाला पूरा कट भी हो गया। तो ये अभी हम लोग इसका ये चमड़ा वगैरह उतारते हैं यहाँ से। तो अभी ये छोटे छोटे पीसेस बनने शुरू हो गए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ जैसे सिक्योरिटी गार्ड, मैं यहाँ ही बैठा हूँ अभी। यहाँ कुछ व्यू है हमारे। ये देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये बन के आ गए, अभी इसके अलग अलग पार्ट्स के हिस्से कर लिए, तो उसके बाद छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे इसके। ये आ गया दोस्त, अब ये छोटे छोटे पीसेस करके बाद में ये घरों में तकसीम करने हैं, बहुत मेहनत लगेगी इसमें। चलो चलिए फिर, अभी चाय पीने का टाइम आ गया, तो अभी हम लोग चाय पियेंगे पहले, उसके बाद काम शुरू। इसको बाद में बांटना है, तकसीम करना है घर घर जाके, दोस्तों रिश्तेदारों में और जो भी पड़ोसी। हाँ तो गाइस काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, सब काम गोश्त वगैरह बांट लिया, जिधर जिधर लेके जाना था तो हो गया काम। तो अभी चाय वगैरह पी के थोड़ा सा रेस्ट करके बाद में हम लोग थोड़ा कहीं निकलेंगे घूमने के लिए। लेकिन वैसा मज़ा नहीं है जैसा पहले होता था बचपन में, ईद का वैसा मज़ा अब नहीं है। अभी जैसे पहले कम से कम 5-10 साल पहले ईद होती थी, वैसे अभी है ही नहीं। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। One hour later. कैसे हैं आप सब? तो गाइस अभी हम लोग निकले दोबारा गोश्त बांटने के लिए, निकले हम लोग दोबारा। अभी तक रेस्ट वेस्ट किया है, चाय वाय पी, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं, तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। वालेकुम सलाम। ये अभी हम लोग यहाँ पे है, बारिश भी होने वाली है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी चश्मा लगा के, ड्राइवर साहब चश्मा लगा के हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ये देख सकते हो बारिश भी आने वाली है। तो अभी हम लोग पहुंच गए केलर में, केलर मेन मार्केट।
शहजेब कहाँ जाएंगे हम है? इसको कैसा हो अब हम क्या करने चलिए गाइस। तो अभी हम लोग पहुंच गए एक जगह, यहाँ पे एक रिलेटिव है तो उसको देना है गोश्त। ये गया हमारा कजन गोश्त देने के लिए। चल क्या हुआ कपूर ये देना गोश्त चला को मैंने यहाँ पे जाए। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या जबरदस्त नजारे हैं यहाँ पे अपने कश्मीर के। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए, इसको बोलते हैं अबहामा। यहां नका सिटी बोल दो को नहीं शो बढ़िया को हो चाहिए सुन मसल की आज से ना सुन मसल यो सॉरी कर दे मन। तो अभी पहुंच गए हम लोग अबहामा। ये देख सकते हैं आप लोग अबहामा मार्केट। चले गए जिसमें अभी गोश्त है और हम जा रहे हैं अभी घर के अंदर देना है। रास्ता मालूम नहीं, देखते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने काम खत्म कर दिया, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। तो चले गाइस मिलते हैं फिर हम लोग घर पे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। तो गाइस काम वगैरह हो गया फिनिश और पटाखे भी बहुत सारे फोड़े बच्चे लोगों ने। मैं भी था वहीं पे, मैं भी देख रहा था नहीं फोड़ने चाहिए बट ईद के दिन तो चलता है ऐसा एक दो दिन, तो बच्चे लोग एंजॉय करते हैं। बट बी केयरफुल सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग का आज का व्लॉग पसंद आया होगा किसी भी रीज़न से। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, शुक्रिया।